अपनाना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। बस पहले तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ों को आप प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर अभी क्या है कि मैक्सिमम एक पैनिक सिचुएशन का जो सब सोच रहे हैं ना कि ये नहीं मतलब अभी जो सेकेंड लॉकडाउन का कुछ चल रहा है और काफ़ी जगह पर हो चुका है, हमारे इधर भी हो रहा है, कहीं पर नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो चुके हैं तो कहीं पर पार्शियल कर्फ्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो सोचने वाली और समझने वाली बात है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब जब पहला कोरोना वेव आया था उस समय क्या था कि मार्केट ज़्यादा पैनिक हो गया था। क्यों? क्योंकि उस समय ना वैक्सीनेशन था, ना उस टाइम किसी को पता था कि इसका तोड़ क्या हो सकता है, लॉकडाउन काम करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो उस समय क्या था, कोई सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है, इसलिए मार्केट अच्छा खासा गिरावट दिया था मार्च के। अभी अगर आप मार्केट है ये उठेगा नीचे भी जाएगा, लेकिन उस तरह का जो है आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये कंटिन्यू फिर जो जैसे हुआ था ना कि लोअर सर्किट उस टाइप का, आई डोंट थिंक उस टाइप का कुछ होने वाला है। मार्केट में आप न्यूट्रल रहिए, ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से प्ले करना बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी जैसे 2 दिन हुआ हम भी काफ़ी अवॉइड कर रहे हैं बैंक निफ्टी को 2-3 दिन से। द रीज़न इज कि वो ऐसा जगह पर फंसा हुआ है, जैसे थोड़ा सा हम लोग अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो अपना पहला वीडियो था वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि मैड्रिड का जब तक लो के नीचे ये सस्टेन नहीं करता तब तक कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद आप मत कीजिए, ठीक है। तो अभी ये उसी जोन पे है जहाँ पर बायर, इधर बायर रेफरेंस, जब तक ये फ्लिप नहीं होता ये रिवन तब तक अभी भी मार्केट बुलिश है। रिमेंबर दिस, जब तक इसके नीचे ये सस्टेन नहीं करता ना 32,160 के नीचे जब तक ये सस्टेन नहीं करता तब तक शॉर्ट करना या फिर पी पोजीशन को होल्ड करना खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये एक बार एटलीस्ट, तो यहाँ पर अगर इसको और अपना जो ये ओवरसोल्ड से भी बाउंस करने का पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर इसको अच्छा खासा सपोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है, बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए तो यहाँ पर ये खड़ा हुआ है ना। तो थोड़ा सा ये कल एक्सपायरी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, अगर इसका लो कटता है तो फिर आपका एटलीस्ट 31,566 से लेके और 30,880 और उसके नीचे अगर ये फिर जाता है तो फिर इसको जाके यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, जो फिलहाल चार्ट में क्लियरली दिख रहा है। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कल बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी पोजिशन जाकर होल्ड मत करना, भी अभी ना बैंक निफ्टी लॉन्ग पे आप होल्ड कर सकते हो ना ही शॉर्ट पे होल्ड कर सकते हो, रीजंस काफ़ी हैं। इस कैंडल का 50% इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि क्लियरली दिख रहा है, और ये वाला जोन इसका कम्प्लीटली एक डिमांड जोन बनाया हुआ है वो भी चार्ट पे कम्प्लीटली दिख रहा है, ठीक है। बायर्स को बाय करने के लिए यहाँ से अच्छा मौका शायद ही मिलेगा, ठीक। और मैंडेट का मैंने आपको बता दिया कि बाउंस करना है तो यहाँ से बाउंस भी कर जाएगा, इसलिए ज़्यादा शॉर्ट पे यहाँ पर मत बैठिए, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। 31,800 के नीचे या फिर अगर कल का लो एक बार अगर ब्रेक हो जाए तो फिर आप पहला टारगेट जो है 31,830 से लेके 840 और अपना उसको अगर काटता है तो फिर यहाँ पर यहाँ तक आएगा फ्रेंड्स 30,830 तक, और उसके नीचे फिर इसको मिलेगा सपोर्ट यहाँ पर। बट व्हाट जो मैं अभी बिलीव कर रहा हूँ कि शॉर्ट करने से पहले कल का पहले का जो 30 मिनट्स 1 आवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट ने नॉन पैराबोलिक फॉल देते हुए यहाँ पे डबल बटम बनाया हुआ है डेली चार्ट पे, तो यहाँ से जब भी जितना मैं चार्ट को समझता हूँ जब ये ब्रेकआउट देता है अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, ग्लेनमार्क का ट्रेड हम लोगों ने लिया था कल तो आपको याद हो गया, उसका स्ट्रक्चर भी यही था, ठीक है। तो केयरफुली इस पर ट्रेड करना पड़ेगा, कल का 1 आवर के बाद इस कैंडल का मिड रेजिस्टेंस है और आज का लो इसका लो है, मतलब ब्रेक आपका एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। निफ्टी निफ्टी अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, निफ्टी यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर बहुत जन का ये सोच था कि ये बुलिश एंगल्सिंग बन गया है, आज देखो उसका हाई भी टूट गया है, ठीक है। तो ये वाला जोन जब मार्केट सपोर्ट पे खड़ा होता है ना तो ये इसको खेलना रहता है, ये खेलता है, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट वन साइडेड फिर नीचे जाने वाला है, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता फिलहाल का जो सिचुएशन चल रहा है। तो सेम है 15,000 के ऊपर, आज का हाई के ऊपर ही इसका फिर आपका बाइंग बनेगा, और इस बार अगर ये इसका
इसका जो 50 है यानी कि ऑलमोस्ट यही है, 15,000 के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर से ये इस हाई को टच करने के लिए आएगा तीसरी बार। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखोगे ना फ्रेंड्स निफ्टी को, तो ये एक रिग्रेशन चैनल बना रहा है ना, और रिग्रेशन चैनल ऐसे एक दो बार में टूटता नहीं है, ये थोड़ा सा मेंटेन होता है, ये एक रिग्रेशन चैनल बना रहा है, उसको ध्यान से अगर हम लोग देखें। ठीक है, तो ये रिग्रेशन चैनल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप रहिए, क्योंकि इसका लो भी यहाँ पर है, जो रिग्रेशन चैनल का लोअर लाइन है वो भी इधर ही है, 14,300 के पास, और यहाँ ये पूरा मिड में है। आप समझने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट में है, पूरा मिड में है। ठीक है, तो ये एक केयरफुल जोन होता है, आप यहाँ पे शॉर्ट करने की सोच सकते हो, आप यहाँ पर बाई करने की सोच सकते हो, लेकिन बीच में आपका जो डिसीजन है, देखिए अभी ये कम्प्लीटली कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। कल का हाई टूटेगा तो ये बिल्कुल बुलिश मोमेंटअप देगा, एटलीस्ट 15,100 आना चाहिए। ठीक है, और अगर आज का लो टूटता है तो आप मान के चलिए 14,557 उसका पहला, और उसको तोड़ता है तो फिर यहाँ तक आ जाएगा 14,250, 14,300 मान के चलिए इतना आएगा। तो अभी का जोन कल का पहला 1 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। बात करते हैं प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का ब्रेकआउट चल रहा है, इसमें हमको कुछ पोजीशंस लेने का मौका मिल सकता है, इनफी में ऑप्शन पोजीशन लिया था, और आईटी सेक्टर पे आपका ध्यान होना चाहिए अप्रैल में। ठीक है, एक हो गया फिनेंस, एक हो गया केमिकल, एक हो गया ये आपका आईटी एग्रो। अवंती ने आज अच्छा खासा पुल बैक दिया फ्रेंड्स, आपने देखा है कि नहीं, 7 डेज का जो यहाँ से अगर मान के चलूँ मैं, तो इसमें काफ़ी बढ़िया आज पुल बैक दिया है अवंती में। तो जो लोग पोजीशंस में हो, बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया जगह से इसने लिया है, इसका अगर हम लोग फिबो लेवल भी पकड़े तो देखिए यहाँ से नीचे आया फर्स्ट ब्रेकआउट, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ अच्छा खासा एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। कम से कम आज एक दिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 दिन का जो था वो कट गया है ना। तो अवंती फीड का जो है फ्रेंड्स, देखिए एग्रो का यही होता है बिहेवियर है ना, यही धीरे 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 गिरता है, फिर बड़े 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 ब्रेकआउट देके जो है आपको अपर सर्किट लगाते हुए फिर ये प्रॉफिट देता है। जो मल्टीबैगर मेंबर्स है वो लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसलिए ऐसे स्टॉक्स को ना कभी भी आप जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग मत कीजिएगा। हम लोग का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर था, पर एंड आई एम 100% श्योर कि ये ऊपर ही जाने वाला है, और ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद ये फिर से अपना हाई जो है 767, ये जो इधर है ना अपना, ये एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है 700 से लेके 800 फिर से ये टच करेगा, और ये वाला हाई तो तोड़ेगा पक्का। ठीक है, तो इस पे ध्यान होना चाहिए हमेशा। रिलायंस, रिलायंस पे फ्रेंड्स बहुत ही केयरफुल रहिए, आज काफ़ी टीवी वाले ये सब है ना वो क्या रिलायंस को लिए बाय करो बाय करो, नहीं बनता फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर, इसका आप पहले समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जो सेटअप है ना ये क्लियर, ये भी मैंने पहले आपको बोला हुआ था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, न्यूज के चलते ये ऊपर आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ये राइट आर्म है ना, जब तक ये राइट आर्म के ऊपर नहीं जाता तब तक ये सेटअप वैलिड है। ठीक है, ये अगर कल फिर से इसके नीचे आता है ना 1986 के नीचे, तो फिर ये गया बॉस 1942 से लेके 1900, अगर मार्केट बियरिश रहता है, और किसी न्यूज के कारण अगर ये इसको ऊपर जाना है तो कल फर्स्ट हाफ के अंदर ही इसको आज का हाई तोड़ना है, आज का हाई तोड़ना है, फिर इसको जो है 1-2 दिन 3 दिन के अंदर मैक्सिमम, फिर इसको राइट आर्म को भी तोड़ना पड़ेगा, जब ये राइट आर्म टूट जाएगा तब ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, माना जाएगा नेक लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, और फिर ये इस हाई को एक बार टच करने के लिए आएगी, केयरफुल रहिए। और उस टाइम पहला टारगेट आपका 2,113 रहेगा, बुलिश व्यू रिलायंस में मेरा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, फिलहाल के लिए जब सेटअप बनाएगा तब हम लोग देखेंगे ट्रेड करेंगे क्या है ना। टाटा केमिकल अच्छा खासा भागा यार, 670 हम लोगों ने तो किया, 620 से पकड़ा था शायद, उसके बाद 670 में उसको एवरेजिंग किया था, 812 यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग प्रॉफिट बुक करना चाहो तो बुक कर सकते हो या फिर होल्ड कर सकते हो टारगेट्स के लिए। और नज़र है मेरी अदानी पोर्ट्स पे, अदानी पोर्ट्स बिल्कुल काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर जो है यहाँ पर ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर इसको कंसोलिडेट करना भी चाहिए, ये फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है पता है, क्योंकि अगर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाए ना तो क्या उसका गिरने का चांसेस कम हो जाता है ना।
इसको थोड़ा सा हम लोग दिल्ली में देख लेते हैं, दिल्ली में क्या कर रहा है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद देखिए ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसका एग्जैक्ट 50% पे इसने अपना सपोर्ट बनाया। ये क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाता है ना, मतलब ये पैराबोलिक फॉर्म बनाता है ना, तो क्या होता है इसका गिरने का चांसेस कम हो जाता है और उसमें आप अपना पोजीशन को ज़्यादा एवरेजिंग कर सकते हो अच्छे प्रॉफिट के लिए, है ना। मेरा पोजीशन अदानी पोर्ट में, ऑब्वियसली मैं तो अपडेट करता रहता हूँ, मैं हूँ उसमें, ठीक है। अभी निकलने का नहीं, बस 900-1000 के ऊपर ही निकलेंगे। पोजिशनल में क्या है ना कि अगर प्रॉफिट लेना है तो अच्छे से लीजिए मेरे हिसाब से, है ना। ओके, ग्लेनमार्क को तो कल हम लोगों ने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक किया था, इसका फ्री में तो मैंने दिया हुआ था, अपना जो पांडा ग्रुप में भी था और बिग बुल में भी इसको मैंने दिया हुआ था ग्लेनमार्क को। अब इसी ब्रेकआउट के लिए हम लोग तरस रहे थे, ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर सपोर्ट लिया, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बनना था, बन रहा है, लेकिन आई एम बुलिस, ठीक है। 511 पे ऊपर, 526, 525, फार्मा पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। फार्मा, फिनेंस, आईटी, केमिकल, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का व्यू मैंने आपको दे दिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।